थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें कि आपका कैरेक्टर के बारे में इस फिल्म के. सैम, शी इज शी इज अ चीफ एडिटर ऑफ अ मैगजीन, ऑफ अ फैशन मैगजीन, एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग लड़की है. अच्छे खासे पैसे कमाए हैं लाइफ में, एंड शी वॉन्ट्स टू रियली डू वेल इन लाइफ. शी वॉन्ट्स टू सेटल डाउन और शी वॉन्ट्स टू बी इन अ स्टेबल रिलेशनशिप, बट उसकी लाइफ में प्रोफेशनली सब अच्छा है बट पर्सनली बहुत डिस्टर्ब्ड है. सो उस वजह से उसके लाइफ में क्या होता है, जिस वजह से ये स्टॉकर उसकी ज़िंदगी में आता है, और बाद में ये स्टॉकर उसके साथ क्या क्या करता है, इस चीज़ की कहानी है. तो दिस गर्ल सैम इज़ वेरी वेरी वल्नरेबल इन द फिल्म. लाइक यू विल, आई डोंट नो हाउ वेल आई हैव परफॉर्म्ड, वो तो आपको अब देखेंगे तो पता चलेगा, बट अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया है तो आप लोगों को रोना आ जाएगा सैम के लिए कि यार ये बेचारी के साथ क्या क्या हो रहा है. बट देन एट द सेम टाइम द सेम कैरेक्टर विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. मुझे तो बहुत डर लगता है, एंड स्पेशली आफ्टर डूइंग दिस फिल्म. मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गई हूँ. जो प्रिकॉशंस मैं पहले नहीं लेती थी अब लेती हूँ. मतलब आई हैव लाइक लिटरली, इफ़ यू हैव योर, वी ऑफ्टन यू नो हम अपने पिन नंबर्स, बिकॉज आज के टाइम में आपको कुछ याद नहीं रहता है, तो आप अपने डेबिट कार्ड पिन नंबर्स, अपने अकाउंट डिटेल्स, एवरीथिंग यू पुट इन योर फोन, विच यू शुड नॉट. आपको नहीं रखना चाहिए. आप योर फोन कैन गेट क्लोन्ड इन लाइक दिस. अ पर्सन कैन कीप हिज फोन नेक्स्ट टू योर फोन एंड एवरीथिंग विल शिफ्ट. यू नॉट इवन गेट टू नो. समटाइम्स आपके अपने पर्सनल पिक्चर्स होते हैं, या इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू हैव पिक्चर्स विद योर पार्टनर, और यू हैव योर पर्सनल डिटेल्स, योर अकाउंट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो वो सारी चीज़ें आपको आइडियली नहीं रखनी चाहिए अपने फ़ोन में. यू शुड कीप दैम सेफ समवेयर. सो आई थिंक ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस मैं लेने लग गई हूँ. आई फिगर दैट वी आर वॉच्ड एवरीवेयर. हर जगह सीसीटीवी कैमराज हैं, तो बहुत मुश्किल है छुपना. दैट्स वाई आई थिंक वी हैव दिस हैशटैग नोवेयर टू हाइड, बिकॉज देयर इज एक्चुअली नोवेयर टू हाइड. वी आर बीइंग वॉच्ड एवरीवेयर. क्लियर था कि इस फिल्म को लेकर मुझे सिर्फ हिना जी ही चाहिए थी. सो जब ऐसे कोई अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है कि इस पिक्चर में मुझे ये ही लड़की या ये ही हीरोइन चाहिए, कैसे देखती है इसे हिना जी? अच्छा लगता है ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि उनको एक जो सैम का कैरेक्टर है, शी इज़ अ फैशन एडिटर, एंड ही रिक्वायर्ड अ फैशनिस्टा, ही रिक्वायर्ड अ गर्ल हु ड्रेसेस वेल. तो जब आपको उनके लिए शायद इजी हुआ, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम इन माय पर्सनल लाइफ एंड दैट्स हाउ आई एम ऑन सोशल मीडिया, लाइक व्हेन आई पोस्ट पिक्चर्स और डू स्टफ, तो शायद उन्होंने देखा हो या उनकी टीम ने देखा हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस से निकलने के बाद वट एवर एफर्ट आई हैव पुट इन, लाइक आई गॉट दिस टैग दैट आई एम दिस स्टाइल आइकॉन और आई एम वेरी स्टाइलिश, आई वेयर गुड क्लोथ्स, आई ड्रेस अप वेल, आई केप्ट इट अलाइव, आई डिडंट लेट इट डाई, आई वर्कड हार्ड, एंड देन इफ इट इज़ अप्रिशिएटेड एंड इफ यू गेट अ फिल्म आउट ऑफ इट, नथिंग लाइक इट. नहीं, मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ. मैं आई डू वॉच बिग बॉस एंड इनफैक्ट आई डू गो इनसाइड. तो अच्छा है, दीज गाइज आर डूइंग अ गुड जॉब, ऑल ऑफ देम. इट्स द बेस्ट सीजन सो फार एंड गुड फॉर द टीम आई गेस, गुड फॉर चैनल. ओके, अगर मैं जितना मैंने नोटिस किया है कि पिछले कई सालों से लोगों ने आपको टीवी में बहुत प्यार किया एंड हम आपकी सोशल मीडिया पर हम आपकी फ़ैन फॉलोइंग देखते हैं, उसके बाद बिग बॉस में हमने देखा लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया एंड नाउ अब फिल्मों में आप डेब्यू कर रही हैं. सो इसे जो मेंटेन करना कितना टफ होता है हिना जी के लिए? टफ होता है,
नॉट ईजी, नॉट एन ईजी जॉब. आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, अब क्या करें, अब क्या करें, चाहे इवन इफ इट्स अबाउट वेयरिंग डिफरेंट क्लोथ्स, यू नो, प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन अ डिफरेंट वे एवरी टाइम. यू कॉन्ट डू इट एवरी टाइम, थक जाते हो एक पॉइंट के बाद आप, बट यू हैव टू कोप अप, यू हैव टू लाइक लिटरली बी देयर, लाइक लिटरली प्रेजेंट इट टू पीपल कि नहीं, आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम डूइंग माई बिट. सो बहुत हार्ड वर्क है, एंड एज आई सेड दैट आई पुट इन दैट एफर्ट, वी वर्क हार्ड. So it's not like ki I wear clothes and I become stylish. It doesn't work like that. I have a team who looks after it, and I personally get into everything. So this is how we decide what I'm wearing, when I'm wearing, on what occasion I'm wearing what. So eventually, if it is fruitful for you, what better than that?